मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का अनोखा मामला सामने आया है। जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजकीय मैदान में कुछ छात्रों के शराब पीने की शिकायत मिली। मौके पर पहुंची एंटी रोमियो स्क्वाड की महिला टीम के साथ छात्रों ने नशे में छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद आरोपी छात्रों को जांच के लिए अस्पताल लाया गया, जहां छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। एंटी रोमियो स्क्वाड हमारा घूम रहा था तो महावीर चौक के पास कुछ लड़के शराब पी के अभद्र हरकतें कर रहे थे। इस पर एंटी रोमियो स्क्वाड वालों ने उन्हें पकड़ा तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों ने शराब का सेवन कर रखा हो। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उनका मेडिकल कराया गया। वहाँ से ये सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ संबंधित जो हमारी महिला स्क्वाड की सब इंस्पेक्टर है वो और थाना कोतवाली के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने एक तो वहाँ शराब के नशे में शीशा वीशा भी तोड़ा है। अभी उनका मेडिकल हो जाए, उनके ऊपर उचित धाराओं में कार्रवाई कराई जाएगी ऐसे लोगों पर। छेड़छाड़ की इस घटना के बाद जहाँ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से फल कुमार की रिपोर्ट।